हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, सर्दियों का मौसम चल रहा है और अक्सर सर्दियों में जो हमारी स्किन होती है वो रूखी सूखी और बेजान हो जाती है। हमारे चेहरे पे, हमारे स्किन पे बिल्कुल भी चमक नहीं रहती है। तो दोस्तों, उसी के लिए मैं आज आपको अपने हाथों से बना के आपको एक फेयरनेस क्रीम बताऊंगी, जिससे जो आप रेगुलर आप इस्तेमाल करोगे उससे आपके चेहरे पे एक अलग सी चमक आएगी। आपका स्किन का जो कॉम्प्लेक्शन है वो एनहांस होगा और आपकी स्किन ड्राई नहीं रहेगी, और जो आपके स्किन डल रूखी सूखी ड्राइनेस आ गई है वो भी दूर हो जाएगी। तो इस क्रीम को अपने हाथों से तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसको बनाते हैं और किस तरीके से इसे अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और अगर मेरे वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए और थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सर्दियों में अक्सर हमारी स्किन है वो डल हो जाती है। जो हम लोग कभी कभी धूप सेकते हैं उसकी वजह से हमारी स्किन काली पड़ने लगती है और हमारी स्किन में बिल्कुल भी चमक नहीं रहती है। तो उसी के लिए हम ये क्रीम बना रहे हैं। और दोस्तों, इसमें जो भी हम इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर रहे हैं वो एकदम नेचुरल है और ये क्रीम 100% इफेक्टिव है। दोस्तों, ये सारी चीजें आप तभी इस्तेमाल कीजिए जब आपको लगे कि ये आपको चीजें सारी आपके फेस पे, आपकी स्किन पे सूट होती है। तो आप पहले देखिए कि आपके स्किन किस टाइप की है और ये सारी चीजें आपके स्किन को सूट करती हैं कि नहीं। अगर करती हैं तभी इसे इस्तेमाल कीजिए, अगर नहीं करती हैं तो प्लीज इसे इस्तेमाल ना करें, इसे छोड़ दें, ठीक है। या फिर आप इस क्रीम को तैयार करके एक बार पैच टेस्ट कर लें। अगर पैच टेस्ट करने के बाद आपको लगता है कि इससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो उसके बाद ये क्रीम आप लगाना तैयार कर दें, स्टार्ट कर दें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से बनाना है। इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है ये खाली बाउल। आप किसी बाउल में भी बना सकते हो या फिर कोई कंटेनर है जिसमें आप स्टोर करके रखना चाहते हो उसमें भी डायरेक्ट बना सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले रोज वाटर। देखिए, मैंने यहाँ पे डाबर का रोज वाटर लिया है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं आप यहाँ पे अंदाजे से डाल रही हूँ 2 स्पून के लगभग रोज वाटर। मैंने 2 स्पून के लगभग रोज वाटर ले लिया है। रोज वाटर में इसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। दोस्तों, आप सब जानते हैं रोज वाटर हमारे स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। और इसके बाद हम इसे ऐड करेंगे इसमें एलोवेरा जेल। दोस्तों, आप कोई भी ब्रांड का एलोवेरा जेल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे पतंजलि का लिया है। आपको अगर फ्रेश एलोवेरा जेल है, आपके घर पे प्लांट अवेलेबल है तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे आप कितने भी दिन के लिए बना सकते हो। मैं यहाँ पे इसको 1 वीक के लिए ही बना रही हूँ। आप इसे 10, 15, 1 मंथ हर किसी के लिए बना सकते हो। इसमें मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के लगभग एलोवेरा जेल। मैं अंदाजे से डाल रही हूँ दोस्तों, यहाँ पे 2 टेबल स्पून के लगभग मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। दोस्तों, इसमें मिक्सिंग बहुत जरूरी है। ये सारे इंग्रेडिएंट जो भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रही हूँ वो अच्छे से मिक्स कीजिए दोस्तों। अगर मिक्सिंग जितनी अच्छे से करोगे उतनी इफेक्टिव ये रेमेडी रहेगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ये विटामिन ई का कैप्सूल। दोस्तों, विटामिन ई हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। हमारे जो फेस में एक्ने, पिंपल और पिगमेंटेशन के दाग होते हैं, मार्क्स होते हैं, उसे रिमूव करने में बहुत मदद करता है। तो ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। तो मैंने ये एक पूरा कैप्सूल डाल दिया है इसमें। दोस्तों, उसके बाद सर्दियों का मौसम है और हमारे स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत जरूरी है। ये हमारे स्किन के जो ड्राइनेस है उसको रिमूव करेगी और हमारे स्किन को कोमल और सॉफ्ट बनाएगी। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है 2 ड्रॉप्स ही डालना है दोस्तों, ज्यादा मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालना है। और दोस्तों, अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमने इस्तेमाल किया है वो है दोस्तों यहाँ पे है मलाई। आप देख सकते हैं ये मैंने मलाई ली है। मलाई मैं वही है जो दूध में बॉईल करने के बाद जो ऊपर आ जाती है वो मलाई मैंने लिया है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप दूध भी ले सकते हैं। इसमें आपको बॉईल किया हुआ दूध लेना है क्योंकि इसे आप स्टोर करके रखोगे तो इसलिए बॉईल किया हुआ दूध लीजिए। अगर कच्चा दूध डालते हो तो फटने की चांसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं, बस 1 स्पून के लगभग आपको लेनी है मलाई। मलाई आपके चेहरे को बहुत कोमल बनाएगी, आपके जो
जो स्किन है एकदम सॉफ्ट कर देगी, जैसे बच्चों की स्किन होती है ना वैसी हो जाएगी। तो ये सारी चीजें कर देनी है अच्छे से मिक्स। दोस्तों ये मिक्सिंग बहुत जरूरी है, इसको आप अच्छे से मिक्स कीजिए, एकदम क्रीमी फॉर्म हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा पतला है तो आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल और मिक्स कर सकते हो। दोस्तों अगर आपके पास इसमें थोड़ा सा केसर है तो आप इसमें केसर जरूर डालें। केसर हमारे स्किन को फेयर करने में बहुत हेल्प करता है। दोस्तों अभी मेरे पास केसर अवेलेबल नहीं है इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अगर आपके पास केसर अवेलेबल है, आपके घर में है, तो प्लीज उसमें एक से दो जो धागे होते हैं इसमें जरूर ऐड करें। उससे आपका स्किन का कलर है बहुत जल्दी एनहांस होता है, फेयर होता है और आपकी स्किन ग्लोइंग और कोमल रहती है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस तरीके से भी ये क्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, ये देखिए मैंने इसको कर दिया अच्छे से मिक्स। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मिक्स हो गया और ये क्रीमी फॉर्म आ गया। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से इस क्रीम को आपको तैयार करना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको ये सारी चीजें आपके स्किन पे सूट होती हैं कि नहीं। अगर आपको सूट नहीं होती है तो आपको यूज नहीं करना है। अगर आपको आपके पास फ्रेश मलाई नहीं है तो आप मलाई ना लें, आप बॉइल किया हुआ दूध ले सकते हैं एक स्पून के लगभग, ठीक है। तो इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब आपको चेक करना है किस तरीके से आपको इसे लगाना है। दोस्तों ये आप कभी भी लगा सकते हो, आप दिन में रात में कभी भी लगा सकते हो। आप फेस पे लगाइए, हाथों पे लगाइए, बॉडी पे लगाइए, कहीं भी आप लगाइए। ये एक फेयरनेस क्रीम है जो आपके स्किन को फेयर करके आपके स्किन में एक ग्लोइंग निखार देगी, ठीक है। दोस्तों आप देख सकते हो ये क्रीम इस तरीके से तैयार हो गई है। इसे आप किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो, आप इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए अगर आप ज्यादा दिन के लिए आप मतलब बना रहे हो तो। अगर आप कुछ दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए बना रहे हो तो बाहर भी रख सकते हो। अब देखते हैं ये किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। थोड़ा सा आपको लेना है इस तरीके से और अपने हाथों पे आप इस तरीके से मसाज कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने हाथों पे अप्लाई कीजिए या फिर अपने इस तरीके से लेके फेस पे भी कर सकते हो। आप खुद देखेंगे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों आप पूरी सर्दियों में आपका जो चेहरा है एकदम निखरा रहेगा, आपकी खिली खिली स्किन रहेगी, एकदम ड्राई नहीं होगी और आपका जो चेहरा है एकदम फेयर होगा। देखिए इस तरीके से आपको मसाज करके इस तरीके से छोड़ देना है। आप इसे अगर अच्छे रिजल्ट के लिए आप नाइट में भी लगा के इसे सो सकते हो या फिर आप डे में भी लगा सकते हो, इसका कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, ये आप अपने हाथों से बनाइए, तैयार कीजिए और ट्राई करके देखिए, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और ये बहुत अच्छी एक इफेक्टिव रेमेडी है जो अब बहुत अच्छे से वर्क करेगी। दोस्तों तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।